मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, दोनों के प्रयासों से 2750 बुढ़ापा पेंशन हुई है। की बात कहते हैं गठबंधन टूटेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन टूटेगा, आज तो टूटता नहीं। सरकार 3000 रुपये कह रही है, सरकार आपको हिस्सा नहीं बता रही हो, फैसला कह रही है। चलिए मैं इस पर बारी बारी जवाब देने, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, दोनों के प्रयासों से 2750 बुढ़ापा पेंशन हुई है। ये चीज़ है, इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है तो समय के साथ फैसले लिए जाते हैं। आज के दिन सबको समय पर पेंशन मिले, बढ़ोतरी के अमाउंट मिले, उसको मॉनिटर करना हमारा काम है और उसको हम करेंगे। उसमें पोर्टल जो बनाया है उसमें भी लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। अभी लास्ट कंप्लेनेंट जो था उसके मदर फादर का ओल्ड एज पेंशन अलाउंस रुका हुआ था और उसने खुद सेटिस्फैक्ट्री बताया कि हमने अप्लाई किया ऑनलाइन और वो हमें पैसा मिलना शुरू हो गया, और जो पुराना बकाया भी है जिस दिन से वो 60 साल के हुए और उनको नहीं मिली, वो भी सरकार अलाउंस 15 दिन के अंडर रिड्रेस करती है। कर्नाटक चुनाव में जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस को मैंडेट मिलता दिखाई दे रहा है। मैंडेट के बाद पोलिंग के ऊपर किसको मिलेगा, ये 13 तारीख को जग जाहिर हो जाएगा। आज कहना, हमने एग्जिट पोल ऐसे भी देखे जो हमें भी एक सीट नहीं दे रहे थे और हम 10 जीत आए, और ऐसे भी देखे हैं जो एक तरफा होके भी रिजल्ट बिल्कुल एडवर्स आ जाता है। आज कहना, मुझे लगता है 11 तारीख है, हमें 1.5 दिन का इंतज़ार और कर लेना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब परिवर्तन का टाइम आ गया है देश और चलो 13 के, इसका तो मैं जवाब 13 के बाद दे दूँगा। चलो मेरे विरोधी पिछले 3.5 साल से, और ये तो मेरे ख्याल से आप अकेले नहीं है, सारे जानते हैं, एक ही बात कहते हैं गठबंधन टूटेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन टूटेगा, आज तो टूटता नहीं। और बड़ा मजबूत है, चल रहा है और प्रदेश के अंदर तरक्की के पथ पर प्रदेश को लेके जा रहा है। आपने खुद देखा पिछली कैबिनेट में BCA को हमने अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने का अप्रूवल दिया है, और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक स्टेप है पिछड़ों को मौका अवसर देने का जो हम दे पाए। हमारे अलायंस ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिनने प्रदेश के अंदर उन लोगों को जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था सोसाइटी में, वो अवसर दिया। चाहे वो पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखने की बात हो, बैकवर्ड ए को पंचायती राज और ULB में हिस्सा देने की बात हो, उसके साथ साथ आज हर व्यक्ति को गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ किसी दफ्तर से जाके चेक लेने की जरूरत नहीं, DBT के माध्यम से हम खाते में देने का काम करते हैं।